हाँ तो फाइनली दोस्तों मोटोरोला रेडी है इंडियन मार्केट में अपने नए स्मार्टफोन मोटो एज 50 को लॉन्च करने के लिए, जो कि एक प्रॉपर कैमरा सेंट्रिक फोन रहेगा। अब सच कहूँ तो दोस्तों एज 50 सीरीज के अंदर ऑलरेडी मोटोरोला की तरफ से 3 स्मार्टफोन लॉन्च किए जा चुके हैं, मोटो एज 50 फ्यूजन, मोटो एज 50 प्रो एंड मोटो एज 50 अल्ट्रा। लेकिन इस वाले फोन के बारे में बात करें तो गाइस ये जो फोन होगा ये मोटो एज 50 फ्यूजन एंड मोटो एज 50 प्रो के बीच में स्टैंड करने वाला है, और लीक्सटर के अकॉर्डिंग कही जा रही है कि इसकी प्राइस इंडिया में अंडर 30,000 रखी जाएगी। लॉन्च डेट अनाउंस हो गए हैं दोस्तों, अगले महीने 1 अगस्त को ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। बट अच्छी चीज मुझे ये लगी कि लॉन्च से पहले ही फोन के फर्स्ट लुक और स्पेसिफिकेशंस को लेकर काफी सारी चीजें हमारे सामने निकल के आ गई है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी फोन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे दोस्तों कैसा होगा ये फोन, यहाँ पर आपको क्या कुछ चीजें देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स वगैरह कौन कौन से होंगे, प्राइस इसकी इंडिया में क्या रखी जा सकती है और इस फोन को इंडिया में कब लॉन्च किया जाएगा। इन टोटल सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो उसके लिए चैनल पर अगर आप नए हो तो अपने इस भाई को सपोर्ट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑल राइट दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो गाइस इसके जो ऑफिशियल रेंडर्स हमारे सामने निकल के आए हैं वो आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ, देख सकते हैं डिजाइन और लुक्स वाइज ये फोन कुछ इस तरह का देखने को मिलने वाला है। एज 50 सीरीज के ही डिजाइन लैंग्वेज को ये भी फोन फॉलो करेगी दोस्तों, लेदर बैक मेटल फ्रेम के साथ ये भी फोन आएगा और फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से ये फोन बिल्कुल मोटो एज 50 प्रो के जैसा होगा, जो कि नो डाउट दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। वैसे 3 कलर में दोस्तों इस फोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो गया है, और सच कहूं तो ये तीनों कलर भी दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। सुपर स्लिम डिजाइन के साथ ये फोन आएगा दोस्तों, फोन दिखने में काफी पतला होगा और 360 डिग्री यहां पर आपको आर्मर बॉडी भी मिलेगी, क्योंकि इस फोन के साथ मोटोरोला मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी ऑफर कर रही है। तो ड्यूरेबिलिटी यहाँ पर आपको बहुत अच्छी मिलेगी, फोन गिरने के बाद टूटने का खतरा बहुत कम होगा। बाकी सामने की तरफ आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक कर्व स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जो कि सेंटर पंच होल कटआउट के साथ आएगा, जहां पर आपको टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स बहुत पतले नजर आएंगे, और चिन के बारे में बात करते हैं तो ये भी काफी थिन होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से फोन काफी गुड लुकिंग होगा, डिजाइन और लुक्स वाइज आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। वैसे बाकी एज 50 सीरीज वाले फोन की तरह दोस्तों इस फोन के अंदर भी आपको IP68 का सर्टिफिकेशन मिलेगा, तो गलती से फोन अगर आपका पानी उनी के अंदर गिर जाता है तो टेंशन फ्री रहिएगा, हल्की फुल्की बारिश में भी आप इस फोन को बड़े आराम से इस्तेमाल कर पाओगे। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर आपको 6.67 इंच का एक 1.5K रेजोल्यूशन वाला 10 बिट्स 3D कर्व्ड पीओलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, जहां पर आपको 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी दोस्तों। HDR 10 प्लस का भी यहां पे सर्टिफिकेशन होगा, 100% DCI-P3 कलर गैमिट के भी यहां पे सपोर्ट देखने को मिलेंगे, और डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वाला प्रोटेक्शन भी होगा। तो डिस्प्ले की क्वालिटी जो होगी वो नो डाउट प्राइस के हिसाब से काफी औसम होने वाली है। जब भी आप इस फोन से स्क्रोलिंग करोगे, गेमिंग करोगे, तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होने की वजह से एक्सपीरियंस आपका यहाँ से काफी स्मूथ रहेगा। बाकी दोस्तों डिस्प्ले के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, और ये एक 10 बिट्स का पैनल होने वाला है, तो यहाँ पर आपको 1.07 बिलियन कलर्स के स्पोर भी देखने को मिलेंगे। HDR 10 प्लस का भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन होगा दोस्तों, तो कलर्स वगैरह भी फोन के अंदर आपको काफी बूस्टेड नजर आएंगे, पंची नजर आएंगे, मतलब जब भी आप इस फोन से वीडियो देखोगे, मूवी इंजॉय करोगे, तो उसका एक्सपीरियंस भी यहाँ से काफी अच्छा रहेगा। और 1900 निट्स का यहाँ पर पिक ब्राइटनेस भी मिलेगा, तो इंडोर और आउटडोर दोनों जगह ये डिस्प्ले काफी अच्छी तरीके से वर्क करेगा, विजिबल होगा। HDR कंटेंट भी यहाँ से आप बहुत ही इजीली इंजॉय कर पाओगे। बाकी परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 एक्सेलरेटेड एडिशन वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे चिपसेट बना है। 6 लाख के करीब दोस्तों इसके एंटूटू स्कोर निकल के आ जाते हैं, तो नो डाउट यहाँ पर परफॉर्मेंस जो होगा वो आपको काफी डिसेंट सा देखने को मिलने वाला है, स्पेशली प्राइस के अकॉर्डिंग। हालांकि डे टू डे लाइफ में इस फोन के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर आप लोग अपने स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग करना पसंद करते हो, लाइक COD या फिर BGMI खेलना पसंद करते हो, तो बस कैजुअली 60 FPS की ग्राफिक सेटिंग पर आप इस फोन के अंदर BGMI एंजॉय कर पाओगे। वैसे इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको UFS 2.2 वाले स्टोरेज भी मिलेंगे दोस्तों, एंड LPDDR4X वाला रैम भी होगा, तो मल्टीटास्किंग वगैरह में जो है फोन के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। बट एप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड वगैरह जो है वो फोन की थोड़ी स्लो देखने को मिल सकती है। बाकी एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आएगा दोस्तों, जो कि हेलो UI के ऊपर रन करेगा, जहां पर आपको पॉसिबली 3 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिल सकते हैं। खैर अब गाइस चलिए हम आ जाते हैं इस फोन की बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड के ऊपर। तो गाइस इस फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। बड़ी बैटरी है तो एक नॉर्मल यूजर्स को ये बैटरी लगभग 1 से 1.5 दिन का बैकअप आराम से निकाल कर देगी। बाकी इसको चार्ज करने के लिए इस फोन के अंदर आपको 68 W की वायर फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, और 15 W की यहाँ पर आपको वायरलेस फास्ट चार्जिंग के भी सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे।
वैसे टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आएगा दोस्तों। फोन के अंदर एनएफसी के भी सपोर्ट देखने को मिलेंगे। 3.5 mm जैक और माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट यहां पर नहीं होगा दोस्तों, बट फोन के अंदर डॉल्बी एटमॉस फीचर्स के साथ स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। वैसे 5G फोन है, इस फोन के अंदर आपको मल्टीपल 5G बैंड का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा और हैवी यूसेज के दौरान फोन को ठंडा रखने के लिए इस फोन के अंदर आपको वेपर कूलिंग चैम्बर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी थिंगसिल की सिक्योरिटी, मोटो सिक्योर, मोटो कनेक्ट, फैमिली स्पेस और स्मार्ट कनेक्ट करके जो मोटोरोला का प्रीमियम फीचर्स आता है वो भी इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा और साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक के सपोर्ट भी यहां पर होंगे। लास्ट में गाइज हम अगर इसके कैमरे के ऊपर आते हैं तो पीछे की तरफ यहां पर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा दोस्तों। मेन कैमरा OIS के साथ 50 मेगापिक्सल का होगा जो कि सोनी का लीटिया 700C वाला सेंसर होगा जिससे आप मैक्सिमम 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल पाओगे। बाकी दूसरे सेंसर के ऊपर आते हैं तो गाइज वो यहां पर 13 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे जो कि एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा और तीसरे सेंसर के ऊपर आते हैं तो गाइज वो यहां पर 10 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे जो कि एक टेलीफोटो लेंस होगा और यहां पर भी आपको शायद OIS के सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं जिससे आप मैक्सिमम 3x का ऑप्टिकल जूम कर पाओगे। इसके अलावा सेल्फी कैमरा के ऊपर आते हैं तो गाइज वो यहां पर 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा और इस सेंसर से भी कहा जा रहा है मैक्सिमम 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। तो कैमरा सेटअप जो होगा वो नो डाउट प्राइस के हिसाब से काफी प्रीमियम रहेगा। बाकी इसके अंदर आपको HDR, पैनोरमा, नाइट मोड, प्रो मोड, स्लो मोशन और पोर्ट्रेट मोड जैसे कई सारे कैमरा फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज यही थे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की पूरी कहानी। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको 8GB 256GB एंड 12GB 256GB के सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएंट में ऐसा कहा जा रहा है कि इस फोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। जो बेस वाला मॉडल होगा दोस्तों 8GB 256GB उसकी प्राइस मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में 27999 या फिर 28999 रखी जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। वैसे आपके हिसाब से इसकी प्राइस इंडिया में कितनी होनी चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इसके इंडिया लॉन्चिंग के बारे में बात करते हैं तो 1 अगस्त को दोस्तों ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, तो ज्यादा समय नहीं है, हम फिर से बहुत जल्द इस वाले फोन के ऊपर और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो गाइज बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।